मध्य प्रदेश सरकार एक और गरीबों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इन दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हम बात कर रहे हैं सतना के रामपुर बघेलान की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बड़ी लापरवाही सामने आई है। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो खुद बयां कर रही हैं कि किस तरह एक्सपायरी डेट से पहले ही दवाइयों को अस्पताल से बाहर खुले आसमान के नीचे फेंक दिया गया। इसे कहीं ना कहीं शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही साफ नजर आती है। वहीं दवाइयों को खुले आसमान के नीचे फेंकने से संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये लापरवाही अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि ये दवाइयां उन गरीबों के लिए अस्पतालों में भेजी जाती हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। वहीं का कर्मचारी आता फेंक डेली जाता है यहाँ पे, 8-10 बोरा तो पड़ी है और एक जगह पड़ी है यहाँ की दवाइयाँ, तो 2-4 सालों से चल रहा है जो आते हैं इसी तरह फेंक के चले जाते हैं, किसी को दवाई दी नहीं जाती है, वो यही दवाई बढ़ती है। एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी नहीं है, 2021 तक इनकी डेट है। जो दवाइयों के खाली रैपर फेंक दिए जाते हैं और कार्टून दवाइयां निकाल के कार्टून बाहर फेंकी जाती है उसको भर के ले गया है, लेकिन इस तरह की अफवाहें उड़ा दी गई कि दवाइयां ओपीडी से चोरी गई हैं, किसी प्रकार की दवाइयां चोरी हैं। जो भी हुआ है मुझे मेरे संज्ञान में अभी आया है, भरसक प्रयास करूंगा कि इस तरीके की गलतियां ना हो और जो दवाई कूड़े में फेंके जा रही है।